करते हैं जोधपुर एम्स का, जहां चतुर्थ दीक्षांत समारोह को इस वक्त संबोधित कर रहे हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। मैं अपने जीवन का प्रारंभ करने का अवसर मिला है, जब देश बदल रहा है वो बदलाव के सहभागी हो सकते हैं, जो बदलाव के साक्षी ही नहीं केवल बदलाव के रचयिता हो सकते हैं। राजस्थान में भी चिकित्सा का परिदृश्य बदला है। माननीय प्रधानमंत्री जी की ये घोषणा कि देश के प्रत्येक जिले में एक एम्स बनना चाहिए, राजस्थान के सभी 33 जिलों में एम्स मेडिकल कॉलेजेस बनना चाहिए, राजस्थान के सभी 33 जिले जो पुराने थे उन सब में मेडिकल कॉलेज बने, लेकिन पिछली सरकार ने जिलों की संख्या बढ़ाई है, तो मुझे लगता है कि मनसुख भाई आपका काम अभी और बढ़ने वाला है। अब 19 जिले और बढ़ गए, 19 मेडिकल कॉलेजेस राजस्थान में अब जिलों की घोषणाओं के अनुरूप हमको बनाने ही होंगे, तो उस दिशा में भी हम निश्चित रूप से सकारात्मक काम करेंगे, उस दृष्टिकोण से हम सोचना प्रारंभ करेंगे और आने वाले समय में मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक जो है ताकतवर बनाने के लिए हम सब लोगों को काम करने की आवश्यकता है। एम्स जोधपुर का जब विस्तार का क्रम चल रहा था, इसी क्रम में अभी जब वीडियो दिखाया जा रहा था तब था कि एक धर्मशाला का निर्माण एक जगह पर कहीं किसी एम्स में हुआ है। मैंने एम्स के डायरेक्टर साहब से, ईडी साहब से बात की थी। जोधपुर के एम्स की जब हमने प्लानिंग किया था उस समय भी जोधपुर एम्स में प्रोविजन किया था कि एक ऐसी जगह रखी जाए जहां पर जो पेशेंट्स आते हैं उनके अटेंडेंट्स को यहां पर रखा जा सके, उनको सुविधा प्राप्त हो सके और सामान्यतया दूर दराज से ग्रामीण अंचल से जो पेशेंट्स आते हैं उन पेशेंट्स में सामान्यतया चिकित्सा पूरी होने के बाद में आप 7 दिन बाद में वापस लौट करके एक बार आइए दिखाइए, 5 दिन बाद में आकर के एक बार आपको दिखाना, इस तरह के जो है उनको निर्देश के साथ में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है। गांव का आदमी दूर दराज के क्षेत्र से आता है, उसमें न तो वो 5 दिन के लिए जा सकता है, न 5 दिन बाद में वापस आने में भी उसको अत्यंत कष्ट भी होता है, बहुत सारा धन भी खर्च होता है। मैंने डीमार्ट वाले राधाकिशन दवानी जी से बात की थी, उनसे निवेदन किया था और मैं आज इस गर्मामय अवसर पर ये आप सबके सामने अत्यंत प्रसन्नता के साथ में साझा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बात के लिए अपनी स्वीकृति सहमति प्रदान की है कि वो 100 करोड़ रुपए जोधपुर एम्स में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए अपने सीएसआर फंड में से देंगे। निश्चित ही जोधपुर एम्स के लिए, जो जोधपुर एम्स जिसके होने का एहसास मुझे तो रोज ही होता है, दिन में कम से कम 10 बार मुझे कम टेलीफोन आता ही होगा कि एम्स में भर्ती कराना है उसको लेकर के, लेकिन एम्स जोधपुर में होने का एहसास कोविड की आपदा के समय हुआ था। हजारों हजार लोग ऐसे होंगे जिनका एम्स में इलाज हुआ और वो सकुशल स्वस्थ होकर के वापस अपने घर लौटे। निश्चित ही एम्स ने जिस तरह की सेवाएं दी जोधपुर के लोगों, मैं जोधपुर के लोगों की तरफ से, मारवाड़ के लोगों की तरफ से, एम्स के परिवार के हर सदस्य, यहाँ जो सिक्योरिटी का छोटा सा गार्ड होगा उससे लेकर के जो नर्सिंग कर्मचारी होंगे जिन्होंने रात दिन यहाँ काम किया होगा, यहाँ के डॉक्टर्स, मैनेजमेंट स्टाफ सबका हृदय पूर्वक इस अवसर पर अभिनंदन करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि एम्स की आपदा के बाद में पहली बार मुझे एम्स परिवार के साथ में बैठने का अवसर मिला है। मैं हृदयपूर्वक उनका अभिनंदन करता हूं कि उनके होने से, उनकी सेवाओं से, उन रेजिडेंट डॉक्टर्स ने जिनमें से बहुत सारे लोग आज यहां ग्रेजुएट होकर के जा रहे हैं, उन लोगों ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ में अपने स्वास्थ्य को, अपने जीवन को खतरे में डाल करके जिस तरह की सेवा इस क्षेत्र के लोगों की थी, मैं कृतज्ञ होकर, कृतज्ञ मन से आपका अभिनंदन करता हूं, आप सबका अभिवादन करता हूं। आने वाले समय में भी इसी तरह से इस एम्स का और आगे विस्तार हो, और अभी सम्मान के साथ जैसा वीडियो में दिखाया गया कि एम्स जोधपुर जो है इट इज़ द सेकंड मोस्ट प्रीफर्ड इंस्टीट्यूट अमंग द एम्स ऑफ आवर कंट्री, उन 25 में से दिल्ली के बाद में दूसरा सबसे ज़्यादा प्रीफर किया जाने वाला एम्स है, और मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूँ जो टीम आज यहाँ काम कर रही है उनकी ताकत के, उनके भरोसे के आधार पर कह सकता हूँ वो समय ज़्यादा दूर नहीं है कि जब हम पहले नंबर पर होंगे, हमारा जोधपुर का एम्स जो है हिंदुस्तान में पहले नंबर पर होगा। मैं सारे ऐसे मेडलिस्ट जिन लोगों को आज सम्मानित किया गया उन सबको हृदयपूर्वक बधाई देना चाहता हूँ, सारे ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स को भी बधाई देना चाहता हूँ, और अपनी बात समाप्त करूँ उससे पहले उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, द टेक प्राइड इन हाउ फार यू हैव कम सो फार एंड Have faith in
how far you can go. But please don't forget to enjoy this journey. अभी हाल ही में मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो देखा था स्टीव जॉब्स साहब को जब स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में की ग्रेजुएशन सेरेमनी में बुलाया गया था और वो जो 15 मिनट का उनका भाषण है, मैं कहूँगा कि सारे स्टूडेंट्स को, युवाओं को वो निश्चित रूप से देखना चाहिए। ये जीवन में असफलताओं के साथ में जीना और असफलताओं को सफल के होने के बावजूद भी जीवन में सफल होना, उसके लिए वो अत्यंत प्रेरक है। मैं आप सबको हृदयपूर्वक शुभकामनाएं देते हुए कहूँगा कि बी बोल्ड एंड बी करेजियस एंड बी योर बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद महोदय। मैं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वह सभा को संबोधित करें।